हे माय बटरफ्लाई, कैसा आप सब? बढ़िया। कल वी फैन मीटिंग के बाद लाइव आए थे। पहले थोड़ी फ़ैन मीटिंग देख लेते हैं, उसके बाद लाइव। 11 जून पिछले इतने महीने से लगे थे वी की फ़ैन मीटिंग, वी की फ़ैन मीटिंग फाइनली हो गई। और किस महान ने कहा था कि ये बॉय फ़ैन मीटिंग होगी? गर्ल्स है सारी की सारी। देखो इन्हें, देखो कैसे रो रही हैं। ये कितना ज़्यादा रो रही है। या तो उनको पूरा यकीन होगा कि ये एक दिन वी से मिलेंगी, या फिर इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। वो वी जो सिम इन्वेस्ट कंपनी के हाउस एम्बेसडर हैं। सिम इन्वेस्ट एक इंडोनेशियाई कंपनी है, उसी इंडोनेशियाई कंपनी ने कोरिया में वी की फ़ैन मीटिंग रखी थी। ये फ़ैन मीटिंग बाकी फ़ैन मीटिंग से थोड़ी सी अलग थी, मतलब इसमें डांस परफॉर्मेंस भी था। ये गर्ल्स ग्रुप सीक्रेट नंबर, इन्होंने फ़ैन मीटिंग में परफॉर्म किया था। फिर वी से कुछ सवाल जवाब हुए। देखे क्या सवाल थे? होस्ट, क्या आपके पास इंडोनेशिया जाने का कोई विचार है, मतलब क्या आप इंडोनेशिया जाना चाहते हैं? वी रिप्लाई, मैं सच में जाना चाहता हूँ। होस्ट, इंडोनेशिया में कहाँ? वी ने कहा बाली एक जगह है और बॉटम आइलैंड भी, आर्मी को सब पता है। होस्ट, आर्मी कह रही है कि आपको मसालेदार खाना पसंद नहीं। वी ने कहा हाँ सही है, मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं। मैं इंडोनेशिया आर्मी के करीब होने के लिए सिम इन्वेस्ट का बहुत आभारी हूँ। जब मुझे आर्मी से लेटर मिलते थे तो मुझे हमेशा बहुत से ऐसे लेटर मिलते थे जो मुझे इंडोनेशिया आने के लिए कहते थे। सिम इन्वेस्ट की वजह से मैं इंडोनेशिया आर्मी के करीब आ पाया। जब मैं 12 साल का था, मैंने एक सपना देखा था। मैं स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करना चाहता था और सिंगर बनना चाहता था। होस्ट, आपको अपनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वी, जब मैं गानों पर काम कर रहा होता हूँ तो मैं उस समय की भावनाओं को महसूस करता हूँ जब मैं टूर पर था, और मुझे सीज़न और वेदर से भी बहुत प्रेरणा मिलती है। होस्ट, स्पेशली कौन से सीज़न से? वी, विंटर, सर्दियों से। होस्ट, BTS मेंबर सबसे अच्छे दोस्त है ना, वो कौन सा समय है जो आपको सबसे अच्छे से याद है? वी, वो पल जब हम लड़े थे। हाहा। होस्ट, एक मज़ेदार कहानी के बारे में क्या ख्याल है? वी, हमारे पास एक ग्रुप चैट है, मैं एक मज़ेदार कहानी के बजाय एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। मैं सच में मेंबर को बहुत याद करता हूँ। होस्ट, क्या ऐसा कुछ है जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करना चाहेंगे? वी, मैं स्कूबा डाइविंग पर जाना चाहूँगा। मैं हाल ही में सतर्क रहा हूँ, लेकिन मैं साहस जुटाना चाहता हूँ और स्कूबा डाइविंग करना चाहता हूँ। होस्ट, हम जानते हैं कि आप हाल ही में अपने सोलो एल्बम तैयार कर रहे हैं, आपको अपनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वी, मेरी फीलिंग सीज़न और वेदर के हिसाब से इफ़ेक्ट होती है, इसलिए मुझे इसी से प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा वी ने कहा उनका सपना है अपनी सोलो एल्बम रिलीज़ करना, और BTS मेंबर में से लास्ट होंगे जो अपनी एल्बम रिलीज़ करेंगे। कोई बात नहीं, आऊँगी लास्ट तो लास्ट, एटलीस्ट अपनी एल्बम तो रिलीज़ हो, बस आराम से अपने टाइम पर रिलीज़ करो। वैसे वी का हेयर कलर उन पर सूट कर रहा है ना, पहले भी वी ने ऐसे कलर किया था। लुकिंग गुड। और अच्छी बात है, फाइनली फैन मीटिंग काफ़ी अच्छे से हो गई। ओके देन, वी की लाइव में कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगी। उसमें जिन ने भी कमेंट किए थे तो मैं जिन के कमेंट ढूंढ रही हूँ, अभी कुछ घंटे बाद अपलोड कर दूंगी। ओके, प्लीज़ वेट, टेक केयर, सी यू अगेन।